हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मेरे साथ सबकी पूजनीय माता जी हैं। माता जी कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जय माता दी। आज महाअष्टमी है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। माता रानी का आशीर्वाद आप सबको मिले। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं माता जी वाले रूप में। कैसा लग रहा है वापस माता जी प्ले करके, उसी गेटअप में आके, थोड़े से ग्रे हेयर, वैसी ज्वेलरी साड़ी पहन के? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये माता जी है भी और नहीं भी है। ये गीताजली देवी ओसवाल है और माता जी करते हुए भी जितना मुझे सुकून और खुशी और एक ब्लेस्ड फीलिंग होती थी कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, गीतांजलि देवी ओसवाल करते हुए भी मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उतना ही प्यार आप लोग मुझे देंगे। अच्छा, माता जी से गीतांजलि देवी कितनी डिफरेंट है? आप कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। आप देखते हैं कि उनका होता एक ही सिक्का है लेकिन चेहरे अलग होते हैं, उनकी उनका जो है टेम्परमेंट अलग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा टेम्परमेंट में अलग है और थोड़ा सा सोच विचार में अलग है, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है उनके जो अंदर का आप कह सकते हैं जो रक्त बहरा है उनकी धमनियों में, तो सेम है। तो इसीलिए देर लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स विच आर सिमिलर। वो ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ी ज्यादा कड़क है क्योंकि उन्होंने जिंदगी के और भी ज्यादा पेड़े खाए हैं, शायद माता जी से भी ज्यादा। माता जी पूरे परिवार, माता जी में ज्यादा प्यार है मेरे, बहुत ज्यादा क्षमा। जब जिस तरह से ससुराल सिमर का पहला शुरू हुआ था, आते आते फिर आते आते बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में चेंज हुई थी। खूबसूरत बात माता जी की ये थी कि वो समय के साथ बदलती गई। ये ऑलरेडी काफी बदली हुई ही है लेकिन गीतांजलि देवी ओसवाल वो आज 2021 की बिजनेसमैन औरत है आप कह सकते हैं इसीलिए, और उन्होंने अपना बिजनेस और परिवार दोनों संभाला है। तो वो लेकिन उनका माइंडसेट माता जी से काफी अलग है। वो समझती है, गीतांजलि देवी ओसवाल को अभी भी ये लगता है कि जो बेटे हैं वो परिवार का शान होते हैं, वो चश्मो चिराग होते हैं। बेटियों की जगह है लेकिन बेटों की ज्यादा है। तो वो इस तरह से आप कह सकते हैं माता जी से थोड़ी सी अलग है, और शायद यही उनकी जर्नी है कि वो समझेंगी क्या, क्या वो समझ पाएंगी, क्या वो अपने माइंड सेट को चेंज कर पाएंगी, क्या सिमर, बड़ी सिमर और छोटी सिमर मिलकर उनके पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाएंगी, दुनिया को देखने का तरीका चेंज कर पाएंगी। मेरे ख्याल से टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिविजुअलिटी एंड एंड कलेक्टिव। अच्छा ज्योति जी, एक्चुअली आपकी और दीपिका की, मेरा मतलब है कि माता जी और सिमर की जो जोड़ी थी, जो सास बहू का पेयर था, वो इंडियन टेलीविजन का सबसे आइकॉनिक सास बहू पेयर्स में से एक था। अब ऑलरेडी वापस आप इस शो में, नए सीजन 2 में आप और दीपिका फिर से काम कर रहे हैं, फिर से वो पेयरिंग बनी है। हाउस एक्सपीरियंस, कितना मिस किया एक दूसरे को आप लोगों ने इतने सालों देखिए, बाद? मिस तो करते रहे, मिस तो करते रहे क्योंकि जब मैंने एक साल सिमर के जाने के बाद जब एक साल ससुराल सिमर का किया, तब भी मैं अपने पूरे भारतवर्ष परिवार को, जो जो वहां पर नहीं थे, एकदम ही नई फैमिली सी लास्ट में हुई थी, मैं उन लोगों को मिस किया करती। लेकिन जब हमने 4 साल के बाद फिर से सीन किया तो ऐसा लगा नहीं कि 4 साल बीत गए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि 4 साल। हाँ, हमारी उम्र शायद 4 साल और बढ़ गई है, हमारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के बहुत बढ़ गए। सिमर के तो मतलब दीपिका के तो लाइफ में काफी 360 डिग्री टर्न अराउंड हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई उनकी जिंदगी में। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग एज कैरेक्टर्स था, अंडरस्टैंडिंग एज एक्टर था, और जो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एज को एक्टर्स था, और जो प्यार था वो कहीं पर भी नहीं गया। हमने जब सीन शुरू किया तो हम जब सेट पे आके खड़े हुए ना सामने, तो पहली चीज जो हुई कि हमने हंसना शुरू कर दिया। वी एक्चुअली स्टार्टेड लाफिंग और फिर हमने सीन किया और फिर खत्म होने के बाद भी वी हग्ड ईच अदर, क्योंकि इतनी मेमोरीज, इतनी 6 साल की मेमोरीज, 7 साल की मेमोरीज सब एक साथ आ गई। अगर हमें कोई ऐसे टोक देता ना, ऐसे करके छू देता, तो शायद हम बहुत जोर से रो पड़ते क्योंकि इतना भरा हुआ था अंदर, इमोशंस, हैप्पीनेस इतनी ज्यादा भरी। जयदी जी, एक्चुअली ये जो अभी पिछले 2-3 सालों में पूरा ट्रेंड सा आ गया है, जो पुराने शोज हैं उनको सीजन 2 के तौर पर एक फिर से एक नई कहानी के साथ लेकर आया जा रहा है, और ये सबसे ज्यादा रश्मि शर्मा मैम के प्रोडक्शन में हुआ है। साथ निभाना साथिया वापस आया, अब उसके बाद ससुराल सिमर का भी वापस आ रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे शोज हैं अलग अलग चैनल्स पे जो सीजन 2 के साथ लौटे।
एंड आई थिंक इट्स इट्स इट स्टार्टेड विद कसौटी, कसौटी जिंदगी की सीजन 2 के साथ आया, नई स्टारकास्ट, नई कहानी के साथ। आप भी अब एक नई कहानी के साथ आ रही हैं, एक नई बहू की तलाश में, एक नई पीढ़ी की तलाश में। कैसी होनी चाहिए आपके परिवार की जो ये नई बहू है जिसकी आप और दीपिका तलाश कर रही हैं, कैसी बहू चाहिए? बिल्कुल सिमर जैसी, बिल्कुल रूप गुण नियत में मुझे जो है गीतांजलि देखकर बिल्कुल ही सिमर जैसी बहू चाहिए, क्योंकि सिमर ने ये प्रूव किया है, सिमर ने ये दुनिया को दिखाया है। मेरे ख्याल से ससुराल सिमर का वन जो था, जो माता जी और सिमर की आप आइकॉनिक जोड़ी कह रहे हैं, वो इसलिए था क्योंकि वो दोनों बहुत एक दूसरे को समझते थे, दोनों ने साथ मिलकर परिवार को जोड़े रखा, आगे बढ़ाया। मेरे ख्याल से हर माँ बाप आज भी 2021 में हर माँ बाप हर यही चाहता है कि उनके बच्चे उनके साथ रहे, चाहे वो खुद न्यूक्लियर फैमिली बन के निकल गए, चाहे वो अपने ससुराल से जो है ना हस्बैंड वाइफ न्यूक्लियर फैमिली बन के निकल गए हो, लेकिन जब उन्होंने अपनी गृहस्थी बनाई तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं के साथ रहे। इट्स अ वेरी इट्स बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेट होती है हर किसी ऐसी। तो आप ये कह सकते हैं कि 2021 में भी हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा जिसको मैंने इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, वो फैमिली मेरे साथ ही रहे, और जो मेरे बहू है वो मेरे परिवार को जोड़े रखे, मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाए और रिस्पेक्ट करे। गीतांजलि देवी ये जरूर सोचती है कि वो लड़की के अपने सपने ना हो, लेकिन वो परिवार को अपना सपना बनाए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है छोटी सिमर में और गीतांजलि देवी और सिमर जो हमारी बड़ी सिमर है, क्या ये दोनों चीजों को काट पाएगी? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट से हम निकल पाएंगे? कौन कितना जीतेगा, कौन कितना हारेगा, कौन कितना मिडिल पाथ पर लेकर आएगा, क्या हम हाथ जोड़ एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस फैमिली को आगे ले जा पाएंगे? ये 2021 के आज की डेट की कहानी। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि 2021 में आप लोगों देखकर ये जरूर कह रहे हैं कि माता गीतांजलि देवी ने कहा है कि लड़की के अपने सपने ना, लेकिन शायद यही उसकी जर्नी है गीतांजलि देवी की और छोटी सिमर की भी यही जर्नी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो मुझे लगता है कि हम 2021 में आज की लड़की को हम अपने घर की बहू बनाकर ला रहे हैं, तो उसके क्या चैलेंजेस होंगे गीतांजलि देवी के, उसकी वजह से क्या चैलेंजेस घर में होंगे, क्योंकि दोनों ही परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना ही चाहिए, और सिमर ने तो हमेशा ही यही किया है। सो इन 2021 वी आर प्रेजेंटिंग अ स्टोरी वेयर एवरीबॉडी इज राइट इन देयर ओन। जब बॉम्बे में आप लोग शूट नहीं कर रहे हैं, आगरा में फिलहाल शूट कर रहे हैं, इसको यहाँ कर्फ्यू है, शूटिंग सारी बंद है, नो वेब सीरीज, नो टेलीविजन, नो फिल्म्स, आगरा में शूट करके कैसा एक्सपीरियंस है? ताजमहल आपने देखा अभी तक? मैं बिल्कुल ताजमहल देखने गई। आप बड़ी मजेदार बताऊं कि लास्ट ताजमहल इससे पहले मैंने 30 साल पहले देखा था, जब मेरे तब गुड फील हस्बैंड मुझे लेकर आए थे, अचानक उन्होंने सुबह कहा कि चलो तुम्हें ताजमहल, ताजमहल नहीं देखा मैंने, कहा नहीं, और मैं दिल्ली की रहने वाली थी, तो वो मुझे ताजमहल दिखाने ले गए। ऐसे हम लोग बैठकर चलते थे और मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक चारों तरफ आगरा फोर्ट, ताजमहल सब देख डाला, फतेहपुर सिटी, अचल सलीम चित्तर का, वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। और आज 30 साल के बाद जब मैं वहां गई तो बहुत बहुत खूबसूरत की लाइफ, बहुत अपने पर्सनल बहुत सारी मेमोरीज मुझे वापस मिली, और आज 30 साल के बाद उस जगह को देखा तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि उस जगह को आप ताजमहल को प्रिजर्व करके रखा जाए। काम मैंने देखा चल रहा है वहां पर, बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं आसपास, बट इट वाज वंडरफुल टू सी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे लोग कहते हैं जो जानकार है कि यार तुम तो अजूबा हो, तो मैं कहूंगी कि एक अजूबे ने दूसरे अजूबे को देखा और बड़े प्यार से देखा। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल जो है वो मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सस्पेंस वाला सवाल है। जैती जी, जब ससुराल सिमर का सीजन 2 का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत सारे फैंस के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही स्टार प्लस पर साथ निभाना साथी आया, सेम प्रोडक्शन हाउस का सीजन 2, और उसमें कोकिला और गोपी को, सास बहू की जोड़ी को वापस लेकर आए, और ये कहा गया कि अब कोकिला और गोपी वापस आ रहे हैं, और उसके बाद उस शो की कहानी आगे बढ़ी, लेकिन बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक कैमियो था जिसको शो को प्रमोट करने के लिए गया था। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि सभी फैंस भी ये बात जानना चाहते हैं कि आप और दीपिका इस शो का हिस्सा रहेंगे या फिर ये सिर्फ एक कैमियो है? नहीं नहीं, हम इस शो का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि इस शो की जान जो मुझे हमेशा लगता था ससुराल सिमर का एक में जो हमारी दीदी है मेरी सिमर की और माता जी सिमर की और माता रानी की, वो एक सॉलिड स्ट्रेंथ था, और वही स्ट्रेंथ हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मैं जरूर गीतांजलि देवी उस बार का किरदार कर रही हूँ इस बार,
निर्मला देवी भारद्वाज आती जाती रहेंगी, वो भी है इसमें। लेकिन आप माता जी को, सिमर कौर विपुल, आप कंटिन्यूअसली इसमें देख पाएंगे। तो मैं ये फैंस को ये कहना चाहूंगी, खुश रहिए, हम सब साथ में आपके। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू जर्नी। आई एम श्योर पहले से भी करोड़ों गुना ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी इस नए सीजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ही चाहिए। जय माता। जय माता दी। थैंक यू सो मच मैम। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।